क्या बोलता है हंसी का समीकरण? भाई अभी तो कन्फर्म बना, दो एक दिन पहले रिजल्ट आऊंगा, कन्फर्म जब होगा। अब तक तो तोड़ मरोड़ लग रही है। चलो, तोड़ मरोड़ बनती रहती है, लेकिन आदमी का मन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। नहीं होता, नहीं, कुछ वोट ऐसे होते हैं जो सीधा ये सोचते हैं, बोला कि साहब मैंने तो जीत में देना ही है, चाहे कोई हारता होगा मैं वोट बदल दूंगा। किसी को नहीं पता कौन जीतेगा, इलेक्शन वाली रात जो है वो भी चेंज कर देती है। चलो वो भी कोई बात नहीं, सही यूं बताइए, सही कैंडिडेट शहर में कौन सा है? सर वो तो जिसने पार्टी ने जो टिकट दिया है उन्होंने जो बनाया है। पार्टी देखिए सब होती है, पार्टी के जो मैनिफेस्टो होते हैं वो सब अच्छे होते हैं, पार्टी की जो सोच होती है, विचार होते हैं, जो देश हित में काम करने के लिए होते हैं वो सबके बढ़िया होते हैं, चाहे आम आदमी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और या फिर अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार खड़ा होता है तो वो भी सोचता है कि मैं शहर के लिए बहुत बढ़िया काम करूं, कहीं पे भी मैं कोई कसर ना छोड़ूं। लेकिन जनता का देखने का अपना एक अलग अलग नज़रिया होता है। आप कैसे देखते हैं इतने सारे कैंडिडेट्स के अंदर से कि कौन सा व्यक्ति सही है? व्यक्ति की बात ये है कि कैंडिडेट की कोई मान नहीं रखता, हर बार देखा है इलेक्शन में, बहुत बार देखा है कि सरकार किसी की है, एमएलए किसी को बढ़ा देते हैं, लेकिन बेनिफिट तो यह कि भाई उसी सरकार का अगर एमएलए हो या चेयरमैन बनाते हैं, भाजपा का बनाते हैं, तो देखो ग्रांट वगैरह है और कुछ लेके आएगा, अगर अपोजिट होगा तो काम डेवलप नहीं हो पाएगा। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है जनता का किसी को नहीं पता आज तक कहाँ वोट क्यों देगी और किस लिए किसको देना है, एक मिनट में इलेक्शन से पहले भी बदल जाते हैं लोग। यानी कि आपने थोड़ी सी जो बात करी है वो टेक्निकली बात करी है, तो उसमें ये हो कि भाई सरकार का आदमी बनेगा तो उसका बेनिफिट है पूरे ही, उसको मतलब चेयरमैन के लगा लो, अपोजिट का तो उसको कुछ मिलेगा नहीं। अभी ना वहाँ पे कोई व्यक्ति जिक्र कर रहा था, बोला कि साहब कम से कम 12 का आदमी होगा तो कहीं तो कह देगा, बोला भाई साहब हमारे तो काम ही नहीं हो रहे, बोला जी सारे एक पार्टी के हो जाएंगे तो भी काम नहीं होंगे, तो क्या किया था? पहले विधायक जो है रेणुका बनी थी, अपोजिट थी सरकार की, 5 साल लोगों ने देख लिया भाई क्या हाल है, तो अभी अपोजिट आके फिर यही हाल होना है, अगर और किसी को बना देंगे तो उसके हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा। संजीव भाई साहब, आप भी जागरूक सोच के व्यक्ति हैं, क्या लगता है कौन जीतेगा? कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। सरकार को, हाँ जी भाई साहब, क्या सोचते हैं हंसी की राजनीति को लेके, कौन व्यक्ति ईमानदार है आगे बढ़ेगा? सर मैं तो गांव से हूँ। अच्छा, आप भाई साहब? जी प्रवीण अलावादी। वजह क्या है, प्रवीण का नाम बार बार आ रहा है, वजह क्या है? आदमी है और अच्छा, मतलब कोई भी चला जाओ उसके पास तो काम करवाता है, हमारा एक दो काम पड़े हैं और उसने मना नहीं किया, वो खुद गया, पर्सनल गया। तो ईमानदार का जिक्र किया आपने, ईमानदार तो और भी काफी सारी पार्टी हैं, सर भी अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं। वास्ता नहीं पड़ा, अभी उनसे पड़ा है और उसने जो काम किया है ना हमारा। चलो ये आपने फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रख लिया, सेकंड प्रायोरिटी पे कौन है? सेकंड पे तो अभी किसी का नाम नहीं ले सकते हैं, और किसी का फिर भी कुछ एक दो नहीं, और तो कोई अभी है नहीं। आपको भाई साहब क्या लगता है? कुछ नहीं कह सकते इस बार। फर्स्ट पे प्रवीण अलावादी। आपको सर? हम तो भाई सबके साथ हैं, सबके साथ हैं, लेकिन वोट एक है। वोट एक है बस, वो बता दो बस। पार्टी का विरोध नहीं करते। आपका बना हुआ होगा वोट? है वोट, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है हंसी से तो थोड़ा बहुत परिचित होंगे? हाँ, लेकिन ये नहीं पता कौन उठ रहा है, लेकिन ये बात है कि मैनिफेस्टो हर का अच्छा होता है लेकिन काम किसी के नहीं है। मैनिफेस्टो सबका अच्छा है कि गलियां पक्की कर देंगे, वो कर देंगे, सुरक्षा देंगे, इलेक्शन से पहले सब कुछ यहाँ पे, मतलब इतने रेडियो में सुनते ही होंगे ये महान मतलब प्रत्याशी है, ये गली पक्की कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। इलेक्शन हाथ में कोने, इनका हाथ में कोने, नहीं तो छोटे छोटे शहर आते बुलेट ट्रेन चला दें। हाथ में सबके है, नीत में किसी की नहीं है। ठीक है सर, ठीक, बिल्कुल सही। हंसी के शहर वाले लोगों तैयार हो जाओ, अब आपको बुलेट ट्रेन में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाथ में सबके है, नीत में किसी के नहीं है। हाथ में भी कैसे है वो जनता जानती है। ये कुछ समीकरण है हंसी के, एक को भी मैं जानता नहीं हूँ और किसी से मेरी पहले बातचीत नहीं हुई, डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट बात की है, और ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ओरिजिनल है। आप इसको किस प्रकार देखते हैं? मैं हिसार से आया हूँ जी, आप भी बता दीजिए आप। नहीं जी, मैं क्या बताऊँ जी, मैं तो व्यापारी आदमी हूँ जी, किसी की तारीफ। व्यापारी आदमी तो बनकाए थोड़ी होया करे, बोलने का भी होता है। मैं व्यापारी आदमी हूँ जी, मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं जहाँ भी बोलूँ मैं फंस जाऊंगा। ये डर है, ये डर है, असली डर ये है कि साहब मैं जहाँ भी बोलूंगा मैं फंस जाऊंगा। मान लिया मैंने वोट उसको देना है, उसका नाम ले दिया, तुमने साहब तने तो ऑर्डर दिया था। हाँ जी, आज कल आ जाएंगे जीएसटी वाले, ईडी वाले, फलाना डीम का, मैं व्यापारी हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये डर है, ये डर है, अरे ये सच्चाई का डर है। और महेंद्र जुनेजा जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के अंदर गए, अगले दिन ड्रग इंस्पेक्टर की रेड पड़ गई। ये डर है
कि साहब आप जाके देखिए, नहीं तो आपका भी इलाज करना जानते हैं, साम दाम दंड भेद जो भी एक्स वाई जेड सभी जो है वो चलते हैं। काफी लोग ऐसे जो बोलते नहीं, हाँ लेकिन जो बोलते नहीं है वो खतरनाक बहुत होते हैं, वो ऐसी जगह पर निशान लगाएंगे कि आप सोचते रह जाएंगे। बाकी आपका क्या मानना है, जो यहाँ पे जो समीकरण आपको देखने में नजर आए आप उससे कितना वाकिफ है, दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहे 420 न्यूज इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।